गर्मियाँ जब भी स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन जो शुरू हो जाती है वो होती है बिजली बिल को लेकर, क्योंकि रीडिंग बढ़ती है तो बिजली बिल भी बढ़ेगा। अब बिजली के इस्तेमाल को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिजली बिल को आप कम कर सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि यार बिजली बिल को खुद से कैसे कम करें, तो उसके लिए ना बहुत से समाधान हैं जो आपके घर में ही छुपे हुए हैं। तो अगर आप ही कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करेंगे तो आप खुद से ही अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफ़ी अच्छी बचत कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि गर्मियों में एसी बहुत ज़्यादा चलता है, और एसी के साथ साथ और भी चीज़ें चलती हैं, जैसे जब किचन में खाना बनता है तो धुआं बहुत होता है, जिसकी वजह से भी गर्मी बढ़ती है। तो उस धुएं को कम करने के लिए हम चिमनी का भी इस्तेमाल करते हैं, और चिमनी के साथ साथ ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एसी ना यूज़ करके कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका भी बहुत ज़्यादा आता है। सो ये जो कुछ गैजेट्स हैं, कुछ डिवाइसेज हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हैं, इन्हीं में अगर आप कुछ टिप्स यूज़ करेंगे तो उससे भी आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचत कर सकते हैं। अब सबसे पहले एसी की बात कर लेते हैं। जैसे जो एसी हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। सो एसी का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए एसी खरीदते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे जो एसी में स्टार रेटिंग दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि वो आपके ज़्यादा बिजली बचत करता है। तो अगर आप एक पुराना एसी चला रहे हैं बहुत टाइम से और आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, या तो आप अपना एसी बदल लीजिए या फिर उसको अपग्रेड कर लीजिए। जैसे माना जाता है कि अगर एसी में 3-स्टार रेटिंग दी गई है तो वो आपके बिजली बिल को 15% तक कम रखती है। अगर आप 5-स्टार एसी खरीदते हैं तो वो 25% तक आपके बिल में बचत करता है। तो ज़रूरी है कि जब भी आप कोई एसी खरीद रहे हैं तो हमेशा उसकी स्टार रेटिंग के हिसाब से लें। अगर आपका एसी उससे ज़्यादा है, अगर आप पूरे दिन एसी चलाते हैं तो आप 5-स्टार एसी ले सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एसी नहीं चलाते हैं तो आप 3-स्टार एसी ले सकते हैं। और साथ में ना ये भी देखें कि कितने साइज़ का एसी है, मतलब जो कितने टन का एसी आता है। अगर आपका छोटा रूम है तो आप छोटा एसी भी ले सकते हैं, तो आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप बड़ा एसी लेंगे, जितने ज़्यादा टन का एसी लेंगे वो उतनी ज़्यादा आपकी बिजली की खपत करेगा। तो ये बातें ध्यान रखना ज़रूरी है जब भी आप एसी यूज़ करते हैं। इसके अलावा चिमनी की बात कर लेते हैं। तो चिमनी जब आप खरीदते हैं तो चिमनी खरीदते टाइम भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे चिमनी में यूज़ होने वाले फ़िल्टर्स, चिमनी की मेंटेनेंस। कई बार ऐसा होता है हम चिमनी लगवाकर छोड़ देते हैं और चिमनी चलती रहती है लेकिन वो ठीक से काम नहीं करती, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, धुआं इकट्ठा हो जाता है। तो खाना बनाते टाइम अगर आप चिमनी का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि चिमनी के जो फ़िल्टर्स हैं उसको टाइमली चेंज कराते रहें, उसको रिपेयर कराते रहें। जैसे आप एसी की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि चिमनी की भी आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं, क्योंकि आपको लगेगा कि चिमनी चल रही है तो काम कर रही है लेकिन वो काम नहीं करती है, और ज़्यादा देर तक चिमनी चलाने से आपका जो बिजली बिल है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा एक अच्छी ब्रांड की ही चिमनी खरीदें, क्योंकि जितने भी पॉपुलर और अच्छे ब्रांड्स की चिमनीज़ होती हैं वो ये दावा भी करती हैं कि वो एक अच्छी सर्विस आपको ऑफर करेंगी, और उससे आपका बिजली बिल भी कम आएगा और साथ ही आपको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके अलावा तीसरा जो डिवाइस है वो है कूलर। सो आजकल मार्केट में जो कूलर्स आते हैं उसमें भी आपको एनर्जी एफिशिएंसी फ़ीचर मिलता है, पावर सेविंग फ़ीचर मिलता है। तो अब बहुत से ऐसे कूलर्स आने लगे हैं जो आप लंबे टाइम तक चलाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत कम खर्च होती है। तो अगर आप उनमें से हैं जो एसी चलाना प्रेफर नहीं कर रहे या लंबे टाइम के लिए कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक ऐसा कूलर खरीदें जो पावर सेविंग मोड के साथ आते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कूलर का इस्तेमाल भी कर पाएंगे और आपका बिजली बिल भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये जो सारे टिप्स हैं ना, ये ज़रूर एक बार फॉलो करके देखिए और फिर आप खुद पहचान कर सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पहले की कंपैरेटिवली बाद में काफ़ी कम आएगा और बिजली में बचत भी काफ़ी होगी। तो ये टिप्स उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर परेशान रहते हैं इस बात से कि यार हमारा हज़ारों का बिजली बिल आता है, हम एसी बंद नहीं कर सकते या कूलर चलाना है या इन सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका इस्तेमाल तो करना ही है लेकिन बिजली बिल कैसे कम करें। तो उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उनके साथ ही वीडियो शेयर ज़रूर करें। और इस तरह के कोई यूज़फुल टिप्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।